देवास शहर लगातार चाकूबाजी की घटना के बाद पुलिस ने चौराहे पर संदिग्धों को रोककर चेकिंग की। पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह, सीएसपी विवेक सिंह चौहान के साथ शहर कोतवाली टीआई योगेंद्र यादव, सिविल लाइन टीआई संजय सिंह द्वारा थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने स्टेशन रोड, बीमा चौराहा, उज्जैन चौराहा, बस स्टैंड, जवाहर चौक, आवास नगर, नयापुरा, नावेल्टी चौराहा, मुखर्जी नगर, विजय नगर सहित शहर के अन्य थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों से घूमने का कारण पूछा और तलाशी भी ली। पुलिस ने नाबालिग युवाओं से बिना वजह घूमने को लेकर पूछताछ की, साथ ही अपराध से दूर रहने की समझाइश भी दी। परिजनों को भी अपने बच्चों को देर रात तक और बिना कारण घर से बाहर निकलने नहीं देने को लेकर निवेदन किया। पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह चाकूबाजी वाली दोनों घटनास्थल पर मौजूद रहे, जहां मौके पर खड़े होकर लोगों से पूछताछ की कि कोई परेशान तो नहीं करता है। एक बालिका से पूछा कि कोई परेशान तो नहीं करता है, अगर परेशान करे तो उन्हें फोन लगाकर बताएं। देखिए, पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से हमने निर्देशित किया हुआ है कि सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी अपने समस्त बल के साथ शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कस्बा भ्रमण पर रहेंगे, जिसमें वो पैदल गश्त करते हैं रोज़ अलग अलग कॉलोनियों में जा जाके। तो ये एक गश्त के कारण पुलिस की प्रेजेंस हमारी सड़कों पर रहती है। उसके बाद वाहन चेकिंग और पेट्रोलिंग हम करते हैं रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जब तक कि रात्रि गश्त नहीं आ जाती है। तो इसी क्रम में इसको चेक करने के हिसाब से आज हम सड़कों पर निकले थे, देखा कि कहाँ कहाँ पर प्रभावी गश्त चल रही है। हमारा प्रयास है कि जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके कारण सुरक्षा को खतरा होता है, जिनके कारण सामाजिक समुदाय सांप्रदायिक सद्भाव को चुनौती मिलती है, वो सब लोग के बीच में पुलिस का खौफ होना चाहिए और जो आम आदमी है उस पर उसका पुलिस के ऊपर विश्वास होना चाहिए और उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए। इसी क्रम में ये भ्रमण किए जा रहे हैं सभी थाना प्रभारियों के द्वारा। इसको हम लगातार जारी रखेंगे, आगे भी इसी तरह से हमारी प्रभावी गश्त जारी रहेगी। इस पूरी गश्त के दौरान हमने कई सारी गतिविधियाँ पकड़ी हैं, जिनमें लगभग आधा दर्जन आर्म्स हमने पकड़े हैं, हथियार पकड़े हैं, और हमने जो चोर थे, वाहन चोर थे, उनको पकड़ा है। हमने ऐसे आरोपी पकड़े हैं जो पहले से फरार थे कहीं। तो इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और भी सकारात्मक और प्रभावी परिणाम इसके आएंगे। सर, ये पहल आपकी जारी रहेगी? बिल्कुल, ये एक ऐसी पहल है जिसमें आम आदमी को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लगता है कि चौराहे पर यदि पुलिस खड़ी है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, आम जनता में इसका विश्वास बढ़ता है। और सबसे खास बात यह कि इसमें हमने कई सारी ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया है जो अवैध रूप से कहीं कहीं चल रही थी, चाहे अवैध शराब हो, चाहे अवैध युवा सदस्य, चाहे अवैध रूप से ड्रग्स माफिया पनपता है, उन सब पर अंकुश लगाने के लिए बहुत ही प्रभावी टूल है, इसको लगातार जारी रखना है। कई जगह आम आदमी से मैंने व्यक्तिगत रूप से चर्चा की कि क्या यहाँ पर गश्त होती है, किस तरह से यहाँ पर किस तरह के लोग शाम को घूमते रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी किसी तरह का रुख किया हो, तो अच्छे रिस्पॉन्स मुझे मिले। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।